अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगा। वही कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है वो सबको बताया आपको, लेकिन जो 2023 में कोर्स सिलेक्शन की न्यू अपडेट्स आई हैं उनके ऊपर बातचीत करूंगा। एज़ वेल एज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस दफ़ा ना इन लोगों ने डिसेबल कर दी है आपके सब्जेक्ट्स को। डिसेबल कैसे किए जाते हैं, मतलब इसका क्या मतलब है, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कोर्सेज ज़्यादा आसान हैं। मेरी ये वीडियो जो होगी वो एक से लेकर आठवें सेमिस्टर तक जाएगी, ठीक है। पहले सेमेस्टर में तो आपने कोई कोर्स सिलेक्शन करनी होती नहीं है। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मैं आपको वैसे बता दूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, मैं आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन बना हुआ आ जाएगा कोर्स सिलेक्शन का। कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इस तरह के इंटरफेस में आपने काम कैसे करना है, सबसे पहले आपके फेलियर कोर्सेज आ जाएंगे। अगर आपकी कोई सप्ली है तो आप फेलियर कोर्स को यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। फेलियर कोर्सेज को आप जैसे मैं देखें यहाँ पे सिंपल मैंने क्लिक करना और ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें इसके आगे ना क्रेडिट आवर्स आ रहे हैं, जैसे इस स्टूडेंट के यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 18 हैं, तो यहाँ पे आप काउंट करते चले जाएंगे। कैसे, जैसे देखें 18 तक मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब 3, 2, 5 और 1, 6, तो 6 मेरे क्रेडिट आवर यहाँ पे हो गए। अब पीछे कितने बच गए जी, पीछे मेरे पास रह गए 12, तो 12 के हिसाब से मैं किताबों को अपनी सेलेक्ट करता चला जाऊँगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि क्रेडिट हॉर्स यहाँ से देखे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिलते हैं, या आपके डिपेंड करता है CGPA के ऊपर। फिर आपके डी ग्रेड वाले आते हैं। आई स्ट्रांगली सजेस्ट और आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को फिल फॉर सेलेक्ट ना करें। ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि पास होते हैं, ये आपके न्यू सब्जेक्ट्स हैं जनाब। अब इसमें देखें 206 के लिए ज़रूरी है कि आप पहले 601 को पढ़ लें। CS 301 के लिए ज़रूरी है बेसिकली कि आप 201 को पढ़ें, ठीक है। लेकिन इन्होंने इनकी शायद 201 क्लियर है, ये देखें इनकी इनका डी ग्रेड है, इनका क्लियर है, इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह सिंपल आपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज ज़्यादा आसान हैं। फर्ज करें मैंने ये 601 रख लिया, पार्क स्टडी 301 रख लिया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा आप कह लें कि हम 301 को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके अलावा हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से मैंने सेव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके आगे मुझे इसको लॉग आउट करना है, ठीक है जी। मेक श्योर लॉग आउट आपने क्या करना है, लॉग आउट करने के बाद दोबारा आपने इसको लॉग इन करना है, राइट। देखिए मैंने यहाँ पे लॉग इन किया दोबारा लॉग आउट करके, तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है कोर्स सिलेक्शन ओपन है जी 27 अप्रैल 2023 तक। आपकी प्रॉपरली क्लासेस का आगाज़ जो है मेरे ख्याल में अब से एक हफ्ते के बाद हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी दिया हुआ था, मैं आपको साथ साथ अगर वो भी बता दूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आया हुआ है कोर्स का, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन का। तो यहाँ पे सारी डिटेल इन्होंने आपको बताई हुई है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हुई हैं। 11 अप्रैल को आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट, यानी आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो स्टार्ट हो जानी है, और इसी के साथ साथ आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे किन किन ने लिखा होगा, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे देखें 17 अप्रैल 2023 मंडे से आपकी सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है 17 अप्रैल 2023 को आपकी क्लासेस का प्रॉपरली जो है वो आपकी क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अभी आपको सिर्फ बताने का मकसद ये, देखें यहाँ पे ना इस तरह से ये आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देखो तो ये इस तरह से डिसेबल है। तो फिल फॉर ये 2023 में एक नया ऑप्शन है, इससे पहले इस तरह डिसेबिलिटी हमें सब्जेक्ट्स की नहीं मिलती थी, ठीक है। मेरे ख्याल में जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उस टाइम पे ये आपके जो है वो इनेबल कर दिए जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात कि कौन से कोर्सेज सबसे ज़्यादा आसान हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसके लिए देखें आपने जाना है माई स्टडी स्कीम में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके जो कोर्सेज हैं पहले आप उनको रखें सेमिस्टर वाइज। जैसे देखें सेमिस्टर वन के अंदर CS 101 आपने पढ़ना है, 201 चूँकि ये आई थिंक IT का स्टूडेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अपने कोर्सेज के लिहाज से उसको जो है वो सेटअप करना है 101 201 201 P। प्रैक्टिकल आपने ये बात याद रखनी है कि जिसकी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं वो साथ प्रैक्टिकल आप ज़रूर रखें, दोनों की एक ही किताब है, ठीक है, दोनों की बुक सेम होगी, आप लोगों को दो दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को, ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट
जो है वो रखने हैं। तो देखो आपके अगर 4 साल डिग्री है ना, तो 4 ईयर्स में आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बेशक वो मुश्किल है या आसान है। हाँ, आपको फ़र्क ये ज़रूर पड़ेगा कि आप इस चीज़ को इस तरह से सेलेक्ट करें, ये जो रेगुलर लिखा हुआ आ रहा है ना, इस रेगुलर का मतलब है कि ये सारे पढ़ना ज़रूरी हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ उन सब्जेक्ट्स पे कर सकते हैं जो कि आपके लिए रेगुलर नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें, ये वाले दो सब्जेक्ट्स हैं, देखें ये वाले दो। अब इसमें क्या है, इसमें CS ये सब्जेक्ट है, यानी कि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। अब ये CS 311 है और CS 435 है, ये आपकी मर्ज़ी है, इन दोनों में से आप कोई एक भी रख लें। अब आपने चेकआउट कैसे करना है कि कौन सा आसान लग रहा है, आप इसके हैंडआउट्स को देखिए। हैंडआउट्स को देखने के बाद आप उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें। एक हफ़्ता आपको इसी चीज़ का दिया जाता है कि आप अपने कोर्स को अच्छी तरह से, जो आपने सेलेक्ट किया है, अच्छी तरह से उसको देख लें, ताकि आपको अगर वो ड्रॉप करना है या अगर आपने अपने कोर्स को जो है वो चेंज करना है तो आप कर सकें। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इलेक्टिव हैं, इनमें से जो कोई भी एक रख लें आप। आपने आसानी के लिए अपने क्या करना है, आपने आसानी के लिए ये बात याद रखनी है कि आप पहले हैंडआउट्स को देख लें। जो हैंडआउट्स थ्रेटिकल होते हैं ना, वो ज़रा ज़्यादा आसान होते हैं। और इसी तरह से MGT के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं, स्पेशली सेकेंड सेमेस्टर के, कि MGT 211 पढ़ें या वो जो एक हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट है, शायद कोई आई थिंक इकनॉमिक्स का, वो पढ़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप MGT पढ़ लें, दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आप रीड अभी ना करें। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस तरह से सिलेक्शन होती है कि आपने अपनी अपनी डिग्री के लिहाज से अपने सब्जेक्ट्स को देखना होता है। और ये भी बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि आप लोगों ने आइंदा आने वाले सेमेस्टर में अपने आप को ज़रा प्रिपेयर ना करना तो है, लेकिन आपका टोटल क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल ने अपना रिजल्ट 2023 में चेंज कर दिया है। खैर, इसके बारे में हम एक अलग आइंदा आने वाले किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने अपने आप को जज कैसे करना है, यानी कि आपने अपने आप को देखना है कैसे कि हमारे लिए कौन सा आसान है। आप हैंडआउट्स को देखें, हैंडआउट्स को देखने के बाद आप देखिए कि कौन सा सेमेस्टर या कौन सा सब्जेक्ट हमें ईजी लग रहा है। ठीक है, और ये भी नहीं करना कि आपको अगर फ़र्ज़ करें कि आपको 18 जो है वो आवर्स मिले हैं, तो आपने कहना कि मैंने 18 ही कंप्लीट करने हैं। आप 15 भी रख सकते हैं, आपके अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं और आपको लगता है कि इस दफ़ा 6 महीने में मुझे ज़्यादा मेहनत और आइंदा आने वाले सेमेस्टर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको इस दफ़ा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा, हम कहेंगे कि पास तो हुए हैं लेकिन जो आपके CGPA थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, ठीक है, तो हार्डवर्क करने की बहुत ज़रूरत है आपको। तो इसीलिए अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप कोर्सेज अभी के लिए कम सेलेक्ट कर लें, लेकिन आपने हार्ड वर्किंग के साथ जो है वो आइंदा आने वाले सेमेस्टर में मेहनत करनी है, ताकि आपका सेमेस्टर CGPA अच्छे से अच्छा आप गेन कर सकें टोटल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आसान है। जो रेगुलर हैं वो तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो आसान हो या मुश्किल हो, आसानी देखनी कहाँ पर आपने, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपने आसानी देखनी है, बाकी रिक्वायर्ड आपने सारे के सारे लाजमन तौर पे जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं आपको आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट के बारे में समझा सकूं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग परेशान होंगे, सर ये देखिए यहाँ पे डिसेबिलिटी शो हो रही है, तो डिसेबिलिटी इसीलिए शो हो रही है, ये वर्चुअल की एक नई अपडेट है। अब कब इसको चेंज करेंगे आइंदा आने वाले सेमेस्टर में हम, या जब ये इनेबल करेंगे तब मैं आपको इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बना दूंगा। और प्लस पॉइंट ये कि आपको आइंदा आने वाले सेमेस्टर में मैं आपके ग्रेड बुक में इस दफ़ा इतना CGPA डाउन क्यों आया है, उसकी भी डिटेल्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।